हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप है उसे बहुत लोगों के रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए हमने वीडियो कोर्स में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, आपके सामने सिलेबस है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हैं, और अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टाइटल है Why exit strategy is important while making entry in stock। यानी कि जब भी हम कोई भी स्टॉक में, मान लीजिए कोई एनालिसिस के हिसाब से अगर हमें कोई स्टॉक बाय सिग्नल देता है और हम उसमें एंट्री कर लेते हैं तो वही टाइम पे एग्जिट स्ट्रेटेजी क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो, मान लीजिए कि कोई स्टॉक में उन्हें अच्छा खासा सिग्नल मिलता है बाय करने के लिए, तो उसमें वो रैंडमली एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बाय कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता लगता है कि वो स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि वो स्टॉप लॉस के बारे में भी डिसाइड करते हैं, मान लीजिए उन्होंने मनी मैनेजमेंट भी किया, क्वांटिटी मैनेजमेंट भी किया, उन्होंने टारगेट भी डिफाइन किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंट्री करने के बाद मान लीजिए स्टॉक भी आपके डायरेक्शन में जाने लगता है तो बाद में क्या हो जाता है कि आपका टारगेट जो भी रहेगा, कंसिडर कीजिए कि वो टारगेट पे जाने से पहले ही स्टॉक में रिवर्सल आने लगता है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा टारगेट तो ये था लेकिन स्टॉक इन बिटवीन वहां से रिवर्स आ रहा है और हमें पता नहीं लगता कि अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए। कभी कभी हम वहां पे जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर स्टॉक ऊपर जाने लगता है, हमारा पहला टारगेट हिट करता है, दूसरा टारगेट हिट करता है, और इसी तरह से अगर हम अच्छी तरह से ट्रेलिंग करते हैं तो स्टॉक बहुत सारा ऊपर चले जाता है और हम जल्दी से बाहर आते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो वेट करेंगे, आने वाले दिनों में वो हमारे टारगेट को हिट करेगा, वहां से भी ऊपर जाएगा, तो हम वेट करने का सोच लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होने लगता है कि स्टॉक नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है, हमारे बाइंग लेवल पे आता है, फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। फिर हम क्या करते हैं कि एक बार हमने वो स्टॉक को प्रॉफिट में देखा हुआ होता है और वही स्टॉक अभी हमें लॉस दिखाता है, तो हम वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो फिर उसे थोड़ा टाइम देते हैं और फिर स्टॉक जब भी ऊपर जाएगा उसमें हम फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। फिर स्टॉक बाइंग के लेवल के नीचे भी जाता है, फिर हमारे स्टॉप लॉस पे भी जाता है, तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड था उसे हमें लॉस में कन्वर्ट करके बाहर आना पड़ता है। तो इस तरह के सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
एग्जिट स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि जो मान लीजिए कि कभी कभी स्टॉक हमारे टारगेट पे जाएगा तब भी हम एग्जिट करेंगे, वो एक हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी रहेगी। नहीं तो मान लीजिए कि टारगेट पे जाने से पहले अगर स्टॉक में रिवर्सल आता है तो हम कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देखकर मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके जो बेसिक रेजिस्टेंस रहते हैं उसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके और जो अलग अलग चीजें और टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं उसको मिलाकर भी हम हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं एग्जिट करने के लिए। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है 10 SMA का इस्तेमाल करके हम किस तरह से हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं या तो ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं वो वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आपको पता लग जाएगा कि हम 10 MA का इस्तेमाल करके किस तरह से हम एग्जिट स्ट्रेटेजी हमारी बना सकते हैं या तो हम हमारे ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हैं। दोस्तों एग्जिट स्ट्रेटेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहती है। हम कोई भी स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं, एंट्री करने का कोई डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए स्टॉप लॉस आने के बाद हम लॉस बुक करके भी बाहर आते हैं, वो भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा एनालिसिस सही है और हमारी डायरेक्शन में ही स्टॉक जाने लगता है तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाते रहता है। पहले 2% प्रॉफिट दिखाता है, फिर 5% दिखाएगा, फिर 8%, 10%, 15%, 20%। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ट्रेलिंग करते रहते हैं, रुकते रहते हैं, तो वैसे वैसे हमें स्टॉक में प्राइस एक्शन दिखता है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखने लगता है। और मान लीजिए मार्केट भी हमारे साथ है, मार्केट भी अच्छा खासा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है तो वो स्टॉक हमें अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद हम सोचते हैं कि वहां पे अभी प्रॉफिट बुक करके बाहर आए या तो वेट करें, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होती। एग्जिट स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम गलत तरीके से एग्जिट करके बाहर भी ना आए और मान लीजिए कि हम एग्जिट ना करते हुए हमारा ट्रेड भी गलत डायरेक्शन में चले जाए, यानी कि सही जगह पे ही हमारी एग्जिट होनी चाहिए। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है तो हम उसे ट्रेलिंग करना शुरुआत कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है, अगर आप ट्रेलिंग अच्छे से नहीं कर पाते तो स्टॉक आपके ट्रेल को हिट करेगा और फिर ऊपर जाने लगेगा। तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ट्रेलिंग तो की थी लेकिन स्टॉक ने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया और फिर स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आ गई और हमने वो जो भी मूवमेंट आई थी उसे मिस आउट कर दिया। तो उसके वजह से हमें ट्रेल भी सही सही लगाना पड़ता है। कभी भी ट्रेल हमें थोड़ा डिस्टेंस देखकर ही लगाना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज हमारा ट्रेल लगाएंगे करंट मार्केट प्राइस से तो वोलाटिलिटी में वो हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो ट्रेल भी हमें थोड़ा डिस्टेंस वाइज यानी कि ज्यादा थोड़ा इस तरह से लगाना चाहिए कि वोलाटिलिटी में हमारा वो ट्रेल हिट नहीं होना चाहिए। तो हम कैंडलस्टिक के पैटर्न, स्विंग लोज, मूविंग एवरेजेस उसका इस्तेमाल करके भी हम ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों एग्जिट स्ट्रेटेजीज के बारे में अगर आप सोचेंगे तो एग्जिट स्ट्रेटेजी वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेगा, कोई फिबोना के लेवल्स का इस्तेमाल करेगा टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई बेसिक जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं उसको इस्तेमाल करेगा, जो जनरल ट्रेडर्स रहते हैं जो कि लेवल्स को फॉलो नहीं करते वो इमीडिएट बेसिस पे परसेंटेज वाइज प्रॉफिट आने के बाद भी बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए कि कभी कभी हम इस तरह से भी ट्रेडिंग करते हैं कि मान लीजिए कि पोजिशन बनाने के बाद 2% लॉस दिखेगा तो हम बाहर आएंगे और मान लीजिए कि 4% प्रॉफिट आएगा तो हम बाहर आएंगे। तो इस तरह से भी परसेंटेज वाइज भी कोई ट्रेड करते रहता है तो वो भी उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि दूसरा कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है उसे ही हमें फॉलो करना चाहिए, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा बैक टेस्टिंग करना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए मार्केट को और हमें हमारी खुद की एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। दोस्तों अगर आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी सही रहेगी तो ही आपका वो स्टॉक में पोजीशन बनाने का मतलब रहेगा। आप मान लीजिए कि स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं, स्टॉप लॉस आएगा तो वो एक एग्जिट रहेगा, राइट, वहां पे हम लॉस बुक करके बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रॉफिट आने के बाद कब बाहर आना चाहिए, तो उसे हैंडल करने के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे हैं कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाने लगता है, वर्टिकल रैली आने लगती है, वो कंटिन्यूअसली स्विंग लोज बनाते रहता है। तो मान लीजिए हम सही तरह से उसे अगर ट्रेलिंग कर पाए यानी कि स्विंग लो के नीचे भी डिस्टेंस लगाकर हम ट्रेलिंग कर पाए और स्टॉक का कंटिन्यूअसली वो जो उसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही रहेगा और हमारा अगर मान लीजिए ट्रेल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक हिट नहीं होता, वो
पर्टिकुलर स्टॉक हमें बहुत सारा प्रॉफिट दे के हमें अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो उस तरह के वाइल्ड मूवमेंट्स अगर स्टॉक में आते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करना है, तो हमारे पास एक पीसफुल एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमने पोजिशन बनाई, स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि उसमें प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम वहाँ पर कन्फ्यूजन में एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप करनी चाहिए। ऐसी एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं होनी चाहिए कि वो हमें कन्फ्यूज कर दे जब भी ट्रेड हमारा चालू है तब, राइट। एग्जिट स्ट्रेटेजी हमारी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में किस तरह के मूवमेंट्स आएंगे ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हर तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेटजीज होने चाहिए, जिसमें कि हमारी प्रॉपर एंट्री स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि मार्केट किस तरह से भी बिहेव करने दो, हमारा स्टॉक को भी किस तरह से भी बिहेव करने दो, लेकिन हम हमारे एग्जिट स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेंगे। वो अगर हमारा ट्रेल हिट करेगा तो हम ट्रेल बुक करके बाहर आएंगे, वो अगर हमारा ट्रेल हिट नहीं करता और कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो हम हमारे ट्रेल को बढ़ाते जाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से भी हम हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि एग्जिट कब करें, तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप खुद की एग्जिट स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए। मूविंग एवरेजेस जैसे कि मैंने अभी कहा है, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट जो हम टूल्स यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करके आप आपकी खुद की एग्जिट स्ट्रेटजी बना लीजिए। उसका बहुत सारा बैक टेस्टिंग कीजिए और पेपर ट्रेडिंग करते समय देखने की कोशिश कीजिए कि कितनी अच्छी तरह से वो वर्कआउट होती है। अगर आपको लगेगा कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी अच्छी तरह से वर्कआउट हो रही है तो आप उसे फिर फॉलो कर सकते हैं। तो बस बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट बट स्वीट वीडियो बनाया जाए जिसमें खाली आपके साथ डिस्कस करूँ कि एग्जिट स्ट्रेटजी का भी इंपॉर्टेंस क्या रहता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही कंसिडर कीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।